हरे कृष्णा, ओम शांति, जय माँ काली, जय का भर। सो आज का हमारा टॉपिक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं चार ऑब्जेक्ट्स, आपको दिख रहे होंगे। ये है मूनोलॉजी, ये है स्वीट टैरो, ये है लव मैसेजेस और ये है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सबसे पहले यह है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यह है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक। हमेशा ध्यान में रखें कि टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती है। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 3 करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड जो कि है द हर्मिट, ठीक है, वर्गो, ओके। दूसरा कार्ड द हायरोफेंट, टॉरस, ओके। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है द हैंग्ड मैन। वाह, तीनों कार्ड जो आ गए हैं सारे मेजर अरकाना आ चुके हैं। फोर्थ कार्ड द चैरियट, वाह क्या कहना। फिफ्थ कार्ड देखते हैं क्या आता है, ये है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। सिक्स कार्ड जो है और सेवन कार्ड, चलो दोनों देखते हैं। देखो ये है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्स, ठीक है। तो ये हमें मिले हैं कार्ड्स, तो देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। अब हम क्या करते हैं एक्चुअली कि बेसिकली हम 1 to 7 जितने भी कार्ड्स आते हैं, जैसे कि अभी ये हॉर्सशू रीडिंग है तो सभी का पहले मतलब देखते हैं और लास्ट कार्ड क्या कहता है। बट बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना सबसे पहले आ चुका है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान दें। देखो पहला जो कार्ड है वो है दी हर्मिट, एज यू कैन सी, ठीक है, बहुत ही प्यारा कार्ड। देखो अगर हम बात करते हैं हर्मिट की, तो यहाँ पे जैसे कि दिशा ढूंढ रहा है या फिर ये यहाँ पे एक्चुअली दिशा बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है या तो वो अपनी दिशा खोज रहा है, इस रिश्ते में उनकी वजह क्या है आपसे जुड़ने की, या फिर कितने कस्मे वादे उन्होंने आपसे किए हैं और वो निभाए हैं। क्या ऐसे कोई कस्मे वादे किए हैं जो कि निभाना संभव है या फिर इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ शायद इनके आँखों के सामने आ चुका है, बिकॉज ये आपसे कोई भी बात छुपा नहीं सकते। ये आपको आई थिंक बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इसलिए ये कहीं ना कहीं खोज पे निकल चुके हैं कि जो सॉल्यूशन इनको अब तक नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आपसे अगर वादा किया था कि वो सॉल्यूशन मैं निकाल के रहूँगा, डोंट वरी, तो वो सॉल्यूशन चाहे फैमिली का यस हो, फैमिली का हाँ कहना हो, या फिर उनके जॉब के बारे में हो, करेंटली वो जहाँ पे सेटल्ड हैं, अगर वहाँ से आपके यहाँ पे सेटल होने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें के लिए ये कहीं ना कहीं कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उसी की वजह वो जानना चाहते हैं और उसी के फिराक में वो निकल पड़े हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड मिला है हमें वो है दी हायरोफेंट, यानी कि टॉरस, ठीक है, वृषभ राशि। ये कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत कार्ड। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बात आती है कि क्या ये पर्सन अपने किए हुए वादे निभाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जवाब आता है हाँ, और वो कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये आपको आपके एनिवर्सरी के ऊपर या फिर आपके जन्मदिन के टाइम कोई एक सरप्राइज़ देना चाहता है, या फिर आने वाले 4 से 5 हफ्तों के बीच भी कोई सरप्राइज़ वो आपके लिए प्लान कर सकता है। बेसिकली वो आपको ये कहना चाहता है कि यू कैन ट्रस्ट देम, आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगर ऐसा कभी हुआ था कि किसी कारणवश ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर वादा जो किया था वो नहीं निभा पा रहे थे, तो वो कह रहे कि भी ऐसा मत सोचिए कि अब ऐसा मतलब अब मैं कुछ अलग नहीं करूँगा। ये एक्चुअली आपका दिल जीतना चाहते हैं 100%। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वही दी हैंगमैन, एंड ये है आई थिंक उनकी करंट सिचुएशन। देखो हैंगमैन में क्या होता है ना, कई बार के इंसान जो है वो बस सोच में अटक जाता है और वहाँ से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कार्ड कहा और मुझे एक्चुअली एक सोल्यूशन मिल गया मेरे एक इशू का, तो वैसे आपको बोल रहा हूँ कि क्या होता है हैंगमैन, मतलब आपको या तो करंट सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है,
या फिर करंट सिचुएशन को लात मारने की ज़रूरत है, या फिर अतीत में क्या हुआ था उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ता निभाना या फिर उस रास्ते पे चलना कई बार बहुत डरावना साबित होता है, या फिर कई बार हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। जैसे कि मान लो ये अभी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अचानक मान लो बहुत ही अच्छा जॉब मिल गया, लेकिन एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पर एटीट्यूड अलग होता है, कपड़े अलग अलग पहनने पड़ेंगे, शिफ्ट्स अलग अलग होंगे, शायद फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, तो क्या ये उसके लिए रेडी है। तो यहाँ पे आती है कार्ड की अंडरस्टैंडिंग दी हैंगमैन। कई बार हमें पता होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, लेकिन क्या लिटरली हम करना चाहते हैं, तो ये सवाल यहाँ पे आता है। फोर्थ जो मेजर अरकाना आ चुका है वो है दी चैरियट, और यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन लिटरली कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं, मैं इनमें से कोई ना कोई एक चॉइस ज़रूर करूँगा। तो अगर इनको चॉइस मिली है तो इसमें से कोई एक चॉइस वो करना चाहते हैं। अगर आपको ये सुनना था कि मे बी इनकी फैमिली ने इनके सामने कुछ चॉइसेस ला दी हैं, जैसे कि कोई एक नया रिश्ता और कहीं ना कहीं आप हैं, तो अब ये पर्सन कह रहा है आपको कि डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, एंड आपको कह रहा है कि भाई ये आपको ही चुन सकते हैं। हालांकि हमें हैंग्ड मैन मिला था, लेकिन इनके चैरियट है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कोई ना कोई एक चुनाव ज़रूर करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट अगर हमने कार्ड देखा है तो ये है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो अगेन चॉइसेस का कार्ड में मिला है कि बहुत सी चॉइसेस उनके सामने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शादी की या फिर मैरिज ब्यूरो की, अगर ये आपको बताते हुए या फिर आपके पीठ पीछे कहीं किसी से मिल रहे हैं या फिर मैरिज के लिए प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, तो बहुत से ऑप्शंस इनके सामने हैं। ये भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अगर अपना जॉब बदलना चाहते हैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो उसमें से कौन सा इंटरव्यू सिलेक्ट होगा, इसमें से कौन सी व्यक्ति उनसे कम्युनिकेट करेगी, या फिर ये बस आपसे ही कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्प्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। हो भी सकता है कि ये अपने फैमिली को बस दिखाने के लिए किसी से मिल रहे हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ आप ही बसे हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये फ़िलहाल अपने जीवन को और अपने जीवन शैली को बहुत चाहते हैं, और ये फ़िलहाल अपने लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते, मतलब द वे दे आर ये बस वैसे ही जीना चाहते हैं, कोई चेंजेस नहीं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एंड कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखता है कि या तो ये अपने किस्मत से लड़ रहे हैं, या फिर अपने कलीग से लड़ रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका लड़ना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि आई थिंक यहाँ पे बस एक ही व्यक्ति है जो इनके लड़ने से दूर है, बाधित नहीं है, और वो आप हैं। तो आप इनकी शांति हो, आप इनका पीस हो, और आपको ही वो पाना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो ये हटा नहीं सकते, और उनका सामना इनको किसी भी हालत में करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मूनोलॉजी हमें क्या साइंस दिखाती है, तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो एक्चुअली प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जो एक बड़ा सा टफ साइकिल था वो दूर हो जाए इनके ज़िंदगी से। ठीक है, और ये सही राह पे आ जाए। देखो हर किसी के जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमें बस उस परेशानियों से दूर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो जो हमने देखा था कि हैंग मैन, लेकिन उसके बाद चैरियट, मतलब किसी सोच में डूबा हुआ इंसान फाइनली कोई ना कोई सोच को अपनाएगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि अब समय आ गया है एक्शन मोड में आने का। तो हैंगमैन की जो परिस्थिति है, जो कार्ड आज हमें मिला है, लेकिन जो सोच है वो शायद काफ़ी दिनों या हफ्तों से चल रही होगी, और अब ये चैरियट की तरफ से ये आगे बढ़ने ही वाले हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि इनके भूतकाल की, कि भूतकाल में चाहे जो भी हुआ हो उनको वर्तमान में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अपने अतीत को भूलना ही इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिले हैं दो कार्ड। पहला कार्ड है बर्न आउट। तो कहीं ना कहीं अपने हार्ड वर्क के चक्कर में, अगर ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ऑफिस में काफ़ी इनको जाना जाता है, तो कई बार ये अपनी हेल्थ को गंवा देते हैं, या फिर कई बार अपना आपा खो बैठते हैं। तो ये चीज़ इनको दूर करनी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे पीसफुल सॉल्यूशन में आना है। नेक्स्ट कार्ड है पर्सनल रिचेस। देखो इनके लिए जो भी अच्छा है ये उनको फॉलो करना है, और जैसे कि एक कार्ड कह रहा है कि बहुत ही जल्दी ये अपने फाइनेंसेस बढ़ा सकते हैं।
शुरुआत या तो हो चुकी है या फिर आज से कर सकते हैं, लाइक अच्छी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना एंड काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न मिलना, ये उनकी किस्मत चमका देगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड आते हैं, आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू, तो दुनिया के लिए एक अलग व्यक्ति हैं लेकिन जब आप इनके सामने होते हो तो बहुत अलग होते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई साइड, इनको इतना अश्योरेंस ज़रूर है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। यू आर सो कडलसम, हमेशा इनको हक्स एंड किसेस करते रहते हो। एंड फोर्थ कार्ड है आई लव योर स्माइल रियली डू, आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है और आपके स्माइल के ऊपर एक कंप्लीटली फिदा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।